चिकन ब्रेड की फिलिंग बना रहे हैं। इसमें हमने 2 टेबलस्पून जो है ऑयल डाला था और 2 टेबलस्पून बटर डाल दिया था। ऑयल पहले इसलिए डाला था ताकि बटर जो है बर्न ना हो। फिर हम 2 मीडियम साइज़ की चॉप्ड प्याज लेंगे और गार्लिक जो है वो 1 टेबलस्पून चॉप्ड लेंगे। तो पहले हम इसमें अनियन डाल देंगे, चॉप्ड अनियन डाल देंगे, फिर हम गार्लिक डाल देंगे। इसको स्टर करेंगे। अच्छा, हमने 2 चिकन ब्रेस्ट जो है उन पर टिक्का मसाला लगा कर रख दिया था और उसके बाद उसको ओवन में बेक कर लिया था और फिर उसको चॉप्ड कर लिया था। तो ये चिकन जो है रेडी है इसके लिए और ये हम यूज़ करेंगे इसमें। और हमने ये जो है ग्रीन कोरिएंडर चॉप करके रख लिया है, 1/2 कप है ये, और 1 कैप्सिकम है जो चॉप कर ली है, और सॉल्ट और पेपर है, ये मिल्क है जो 1 कप है, और 3 टेबलस्पून प्लेन फ्लावर है। तो ये सब चीज़ें हैं जो लेंगे आप इसमें। जब हमारी अनियन जो है सौते हो जाएगी अच्छी तरह से, तो फिर हम उसके बाद इसमें प्लेन फ्लावर डालेंगे। अनियन जो है वो ट्रांसलूसेंट होनी चाहिए, तो फिर हम उसके बाद इसमें प्लेन फ्लावर डालेंगे जी। अब ये अनियन जो है हो गई है, ट्रांसलूसेंट हो गई है, उसके बाद हमने प्लेन फ्लावर डाल दिया। प्लेन फ्लावर डाल के इसको ज़रा भूनेंगे और जब भुन जाएगा तो फिर इसमें हम दूध डालेंगे। 1 कप दूध है। अच्छी तरह से भूनना है ताकि उसका प्लेन फ्लावर की जो वह ख़त्म हो जाए और अच्छी में खुशबू आने लग जाए, तो पता चल जाता है कि हो गया है। अब जो है दूध डाल देंगे हम और उसको जो हॉब को है वो टर्न ऑफ कर देंगे थोड़ी देर के लिए, जब तक दूध जो है मिक्स होना शुरू हो जाए। और उसके बाद जब दूध अच्छी तरह से थोड़ा सा थिक होने लग जाएगा तो फिर हॉब ऑन कर देंगे और थोड़ा पकाएंगे और फिर काली मिर्च और नमक डाल देंगे और उसको थोड़ा सा और स्टर करेंगे। और जो चिकन है हमारी टिक्का मसाला लगी हुई ऑलरेडी, वो डाल देंगे और फिर हम सारे इसमें कैप्सिकम और ग्रीन कोरिएंडर डाल देंगे। इसमें और मसालों की ज़रूरत नहीं है इसलिए कि चिकन में पहले से ही टिक्का मसाला डला हुआ है। बस ये अब रेडी हो गया है और अब हम इसको ठंडा करने के लिए रखेंगे ताकि हम जब ब्रेड की फिलिंग करें तो चिकन रेडी हो। देखें, अच्छा थिक हो गया है ये। चिकन ब्रेड की फिलिंग है ये और ये चीज़ है, चीज़ को हमने शेड किया हुआ है। ब्रेड फ्लावर है जो है या प्लेन फ्लावर है 4 कप है, मिल्क पाउडर है 1 कप और 1 टीस्पून हिमालयन पिंक सॉल्ट है, शुगर है 1 टेबलस्पून, ड्राई एक्टिव ईस्ट है 1 टेबलस्पून, 4 टेबलस्पून ऑयल है, 1 एग है और वाटर आपकी ज़रूरत के मुताबिक है, जैसा आप वेदर है उस हिसाब से लें, कभी कम और ज़्यादा हो जाता है तो वो देख कर फिर आप डालते जाएंगे उसमें। बोल में आप पहले जो है मिक्सर में फ्लोर डालेंगे, फिर शुगर डालेंगे, सॉल्ट डालेंगे, ईस्ट डालेंगे और मिल्क पाउडर डालेंगे, फिर लो स्पीड पर चलाएंगे। जब मिक्स हो जाएगा तो फिर हम ऑयल डालेंगे और एग डालेंगे और फिर मिक्स करेंगे। मिक्सर चलाएंगे लो स्पीड पर, फिर आहिस्ता आहिस्ता इसमें पानी डालेंगे और
और चेक करते रहेंगे, और पूरे जो डो है ये लो स्पीड पे ही बनेगा। आप चाहें तो इसको हाथ से भी गून सकते हैं, अगर आपके पास ये नहीं है मशीन तो जिस तरह आप आटा गूंथते हैं वैसे ही इसको बनाएंगे आप। जी ये डो तैयार है, इस पे ऑयल लगाएं और फिर इसको वेट क्लॉथ से कवर कर दें और किसी भी वार्म प्लेस पर 1 or 2 hours के लिए रख दें ताकि ये डबल हो जाए। आपके वेदर के हिसाब से आप होगा, अगर आपका कंट्री का वेदर हॉट है तो जल्दी हो जाएगा। ये देखें ये रेडी हो गया है, डबल हो गया था, इसको मैंने पंच करके पूरा तैयार कर लिया। अब मैं टेबल टॉप पे रखूँगी इसको, और इस अब एक इसका लंबा सा डो बनाएंगे ताकि हम उसके बोल काट सकें। ठीक है, ये लंबा सा डो बना लिया, अब इसको हाफ करेंगे, फिर इसको 1/4 करेंगे, इस तरह 8 हम इसके पोर्शन कर देंगे। अगर कुछ पोर्शन आपको छोटे लगें तो फिर आप उसको मिला के बराबर कर लीजिएगा। आप चाहें तो इसका वेट भी कर सकते हैं, एक ही वेट करके भी आप हर पोर्शन बना सकते हैं। ये एक बोल बना लिया है, इसको हम टक इन करेंगे, ये अच्छी तरह टक इन करके, और 1 by 1 हम सारे टक इन करके रखते जाएंगे। जो पहले आपने बोल बनाया है हमेशा पहले वो उसकी ब्रेड बनाना शुरू करें। ये बेकरी में तरीका एक है कि जब आपने पहला जो डो बनाया है उसका टाइम काउंट करता है, तो स्टार्टिंग भी पहले से शुरू करेंगे, लास्ट वाले से नहीं शुरू करेंगे। हमने ले लिया है ये, इसको रोल कर रहे हैं, रोल करके अच्छी तरह से आप एक लंबाई में रोल करेंगे। लंबाई में जब रोल करेंगे तो इसकी ब्रेड की डो शेप के लिए, और फिर हम मिडल में सारी चिकन जो हमारी फिलिंग रेडी है वो इसमें हम फिलिंग करें, और फिर हम साइड से इसके कटिंग करेंगे ताकि इसका शेप जो है इस तरह का बने चिकन ब्रेड का। चाहें तो आप नाइफ यूज़ कर सकते हैं, चाहें तो आप पिज़्ज़ा डो कटर जो होता है वो पिज़्ज़ा कटर जो है उससे भी काट सकते हैं, जो आपके पास अवेलेबल हो वो यूज़ करें। 1 by 1 हम एक एक स्ट्रिप उसकी रखते जाएंगे, एक स्ट्रिप एक तरफ से राइट, फिर एक स्ट्रिप लेफ्ट साइड, तो इसका एक अच्छा शक्ल बनकर आ जाएगी। ये देखें ये इस तरह बन गई है, अब इसको हम ट्रे में रख देंगे। मैं दूसरी आपको पिज़्ज़ा कटर से किस तरह काट के बनाते हैं वो बता देती हूँ, तो वो भी देख लें आप। पिज़्ज़ा कटर से इजीली कट जाता है, नीचे का आप अलग कर दें एक्स्ट्रा को, बस फिर वही मेथड है, एक साइड से जो है एक स्ट्रिप एक साइड से उठाएं, और चाहें तो ये वाला पोर्शन आप पहला वाला छोड़ भी सकते हैं, तो फिर ये एक फिश की शेप आ जाती है। अभी इसको उठा के आप ट्रे में रखते जाएंगे और फिर एग वॉश करेंगे इस पे दोनों पे, और इसी मेथड से फिर बाकी सारे आप जो बॉल्स बनाए हुए हैं वो उनको डो की उसकी ब्रेड की शक्ल बना दें। ओवन को मैंने प्रीहीट कर लिया था 200°C पर, और इसको जो है हम अभी रखेंगे एक और दूसरी प्रूफिंग के लिए, और उसके बाद जब अब ये हो गई है दूसरी प्रूफिंग, 30 मिनट की दूसरी प्रूफिंग हो गई है, अब हम इसको ओवन में रख रहे हैं 30 मिनट के लिए। चलें हमारी
ब्रेड रेडी है। आप देख रहे हैं कितनी खूबसूरत इसका कलर आया है, कितनी अच्छी लग रही है। तो बस देखें आप इसी तरह ब्रेड बनाएं, इंजॉय करें, फैमिली को खिलाएं, या किसी पार्टी में अपने बना सकते हैं आप लोग। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, बेल आइकॉन के बटन को दबाएं। और इसी तरह चलें, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे।